आपने भी वो कहावत सुनी है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब यूं तो इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मगर ये जिस आरसी की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इस कहावत में आरसी का मूल्य क्या है? आइए ये सब कुछ हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो पुराने जमाने में आरसी को भी 16 श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता था। इस आरसी को नई बहुओं और दुल्हन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता था। कैसे, ये जानने के लिए आपको इसके थोड़े टेक्निकल यूज के बारे में हम बताते हैं। आज के जमाने में तो सभी के पास सेल्फी मोबाइल कैमरा है। पुराने जमाने में मगर अगर लड़की को अपनी छवि देखनी होती थी और अपने उस टाइम के मेकअप को ठीक करना होता था, तो उसके लिए उन्हें अपने हाथ में एक चौड़ी सी अंगूठी पहनाई जाती थी, जिसके ऊपर एक छोटा सा शीशा होता था। ये शीशा ठीक इतना ही बड़ा होता था कि लड़की अपने चेहरे को बिना किसी परेशानी के देख सकती थी। ऐसे में कई बार दुल्हन इस आरसी की मदद से अपने होने वाले पति का चेहरा भी घूंघट के अंदर से देख लेती थी। इसी कारण इसे इतना जरूरी माना जाता था हर 16 श्रृंगार में। तो ये कहावत पूरी ऐसे होती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब एक औरत अपना श्रृंगार करती है तो उसे दर्पण में देखने की जरूरत होती है, मगर हाथ के कंगन को तो वो सामने से ही देख सकती है क्योंकि वो प्रत्यक्ष यानी कि उसके सामने होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।